हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम और फ्रेंड, और मेरे सामने खड़ी हैं दो बहुत ही ज़्यादा ऑसम बाइक्स। और क्या ही बताऊँ यार, ऑसम बोलता बहुत ज़्यादा हूँ मैं। तो एक है आपकी R15M और दूसरी है आपकी NS200 का जो लेटेस्ट मॉडल आया 2023 USD के साथ। BS7 बोल सकते हो, BS6 फेज 2 बोल सकते हो। तो BS7 इसलिए लोग बोलते हैं यार क्योंकि BS7 रेडी है ये। अगर BS7 आपका इमिशन आ गया तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो BS7 ही मान लो यार इसको। तो भाई पावर के मामले में NS जो है वो 24.5 PS है और R15 18.5 है, और टॉक के मामले में जो NS है वो आपका 19.2 है और जो R15M है वो आपका 14.1 है। तो पावर फिगर में काफ़ी ज़्यादा निकल जाती है NS, लेकिन यहाँ पे जो VVA टेक्नोलॉजी है ये इसको थोड़ा सा एज प्रोवाइड करती है। हायर RPM पे मैक्सिमम पावर देती है, ये भी इसको एज देती है, और फुल फेयर बाइक है तो ये भी एज देती है। तो 3 प्लस पॉइंट इसके पास है, इसके पास पावर जो है वही एक प्लस पॉइंट है। प्राइस के मामले में भी वो काफ़ी ज़्यादा है, तो करते हैं ड्रैग। पहले मैं चलाऊँगा NS, और इनिशियल में तो यार ये NS सबको वीट कर देती है भाई। तो मुझे लगता नहीं कि R15M इसको टक्कर दे पाएगी इनिशियल में। टॉप स्पीड में खेल बदल सकता है। चलो भाई, NS का इनिशियल बहुत तेज है। इनिशियल में आगे निकली है, इनिशियल बहुत तेज है NS का यार, बहुत तेज है। अब जाके देखो, 100 के ऊपर जाने के बाद R15M थोड़ा आगे निकली है। ओहो, थोड़ा सा बाद में लॉन्च किया था, उसके बाद ये हाल है यार। मुझे फेयरिंग का पूरा सपोर्ट मिल रहा है यार, और उनको नेकेट का पूरा डिसएडवांटेज मिल रहा है। पर बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकली है, उसके बाद भी फेयरिंग का मामला है। देखते हैं, फेयरिंग ना होती तो खा गई होती इसको। इधर से देखो गाड़ी भाई, इधर से देखो लिमिटर लग रहा है, हर गियर में लिमिटर लग रहा है। उधर से नहीं लग रहा था क्योंकि उधर से हवा चल रही थी, विंड ब्लास्ट के अपोजिट थे। इधर से विंड ब्लास्ट के साइड में चल रहे, 146 पहुंच चुकी है गाड़ी अभी तक फिलहाल, 47। जैसे NS खा गई, जैसे RS जैसे RS खा गई थी, वैसे ही खा जाती है अभी। अब नहीं निकल पाएगी ये, अब नहीं निकल पाएगी। स्पीड में नहीं जीत पाएगी, फुल फेयरिंग की बात ही अलग है। लॉन्ग स्पीड, टॉप स्पीड, फुल थ्रॉटल, ये सब में फुल फेयरिंग में ही मजा आता है। ये सारी बाइकें आपकी नेकेड वाले सिटी के लिए राइड होती हैं, जहाँ पे आपकी एजिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और पिकअप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनिशियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर एक्सेल करती हैं। अभी भी NS नहीं निकल पाई है, करते हैं यहीं पे द एंड। देखो 151 जा रही है, आप सोच लो तब भी वो आगे है। तो वही है भाई,
राइडर कर लेते हैं चेंज। हाँ यार टॉप स्पीड इधर से ना, ये भी 150 गई। आ गई अपनी NS अपने हाथ में फिर से। अब देखते हैं R15 निकलती कि नहीं निकलती। और ये नेकेड हो है और वो है फेयर, तो भाई उसको फ़ायदा मिलेगा और इसको नेकेड होने का नुकसान मिलेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है, मैं थोड़ा देखते हैं। NS तो आगे अभी निकल रही है जैसा मैं बताया था। देखो इनिशियल NS का तगड़ा है, इनिशियल तगड़ा है, लेकिन टॉप स्पीड में जितनी चाहिए R15M जितनी चाहिए इसमें बोल रहा हूँ, क्योंकि वेट मेरा थोड़ा कचरा कर देता है। फिर आप लोगों से मुझे गालियाँ मिलती है कि नहीं भाई। देखो निकल रही है, निकल रही है, रिजल्ट नहीं बदलेगा, निकल रही है आगे। हाँ पोस्चर सही कर लो अपना, लीन पोस्चर, क्योंकि यार देखना, क्योंकि ये गाड़ी है आपकी नेकेड, तो इसमें थोड़ा टैंक स्लेपर भी आ सकता है, मोबाइल भी आ सकता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा देखना है। निकल रही है आगे 124 पे आगे निकल रही है ये। देखिए आप भाई निकल रही है आगे ये। जाती है ये, खेला बदल जाता है। जाती तो अच्छी है, कह रहा हूँ फेयरिंग ना होती तो ना जीतती। भाई 152 तक गई, 152 पे लिमिटर लगा इसका, है ना, लिमिटर लग गया। मेरे पे भी लग रहा था 151 पे। तो यदि ड्रैग रेस आप देख लो, इनिशियल में दोनों में ही आपकी NS आगे निकली है, बट टॉप स्पीड में आपकी R15M जो है वो विनर रह रही है। तो यदि ड्रैग रेस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो कमेंट करो, थोड़ा प्यार दिखाओ, और सोशल मीडिया हैंडल यहाँ मेरा डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करता हूँ। राइड हार्ड, राइड सेफ, दिस इज सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।